देखो कितनी पतंगे उड़ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 भाई गिन भी नहीं पाऊंगा मैं। देखो कैमरे पे सब दिख भी नहीं रही है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा अभी। देख रहा हूँ मैंने व्लॉग कितने बजे शुरू कर रहा हूँ, मैं सुबह के नहीं शाम के 6 बज रहे हैं। इतना लेट इसलिए होगा क्योंकि मैंने 2 व्लॉग एडिट किए थे और उसके बाद फिर सो गया मैं, और सुबह उठा आज कॉलेज जाना था। दोस्तों लोगों को कॉल किया, कोई आ ही नहीं रहा कॉलेज, कह रहे कल या परसों से आएंगे। मैं कहा ठीक है तो अकेले जाके मैं भी क्या करूँगा, तो मैं गया नहीं। लेट उठा था, जिम भी नहीं गया, और सुबह से मामू और मौसी आ गए थे तो उन्हीं के साथ ही बैठे बातें बातें कर रहे थे। अभी मुझे टाइम मिला है तो अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और आज मुझे ये टेस्ट करना है कि भाई मेरा काम जो वो माइक कैसा काम कर रहा है। अभी चलेंगे आराम से, थोड़ी देर में चलते हैं, मतलब थोड़ा रात आद हो जाए। भाई देखो कितनी पतंगे उड़ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 भाई गिन भी नहीं पाऊंगा मैं। देखो कैमरे पे सब दिख भी नहीं रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। एक ही रही बहुत है भाई। ओके गाइस अभी छत पे टहल रहा हूँ, अंधेरा हो चुका है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। टहलता हूँ और थोड़ी देर बाद फिर नीचे चलेंगे, अपना माइक का ही टेस्ट करेंगे अगर टाइम मिला तो। मैंने अभी बताया रात में क्यों नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे चाचा के जो लड़के हैं ना, कज़न मेरे, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको मैंने बता रखा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और अगर उनको पता चल गया तो मेरा दिमाग ख़राब कर देंगे क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा था कि सुबह टेस्ट करूँगा ताकि उनको पता ना लगे, शाम को वही मुश्किल रहता है भाई, वरना वो कमरे में आ जाएंगे फिर दिमाग ख़राब कर देंगे छोटे छोटे भाई। इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ कि शाम को ना ही करूँ, देखो कभी ना कभी तो पता चल ही जाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। तो अभी मैं टहलता हूँ यहाँ पे और फिर थोड़ी देर बाद नीचे चलेंगे हम मस्त आराम से अपना कैमरा और माइक टेस्ट करने। चार्ज तो मैंने कल कर ही दिया था, क्योंकि तो गैस तो बाहर आ गया अंडा खाने के लिए, अंडा खाने आया था, और अभी मुझे वो टेस्ट करना था भाई। मैं बोल रहा हूँ 2 दिन से टेस्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि अभी मौसी और मामा आ गए थे, उन्हीं के साथ ही बैठा था, अभी भी छोड़ के आया। ओके गैस तो भी अंडा खा लिया, अभी जा रहा हूँ बस घर। आज तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया क्योंकि मेरा भाई सर दर्द हो रहा था, मैंने कुछ नहीं, मेरा बस पूरा दिन लेटा रहा, अटैक ऑन टाइटन एनिमे देख रहा था, वो भी भाई बहुत मस्त है। अटैक ऑन टाइटन देख रहा था, उसके बाद सर दर्द हो रहा था मेरा, फिर कोई ना अभी तो यही सब चल नहीं रहा है। तो वही सीन है, आज मुझे आज भी टाइम नहीं मिला माइक टेस्ट करने का, कोई ना कल जाएंगे। फ्रेंड लोग से मैंने पूछा वो कॉलेज कब से आ रहा है, उसने बोला वेंसडे के बाद ही आएंगे, तो कल भी मैं नहीं जाऊँगा कॉलेज, और अब से दोबारा जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी भाई। ऐसे अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हो ये है खाने में। मैंने आज कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया, मैंने शाम के 6 बजे तो ब्लॉग स्टार्ट किया था, कोई ना थोड़ी तबीयत भी खराब थी, सर दर्द हो रहा था, ब्लॉग ट्राई करूँगा अब। देखो डेली ब्लॉग में तो ऐसे ही होता है भाई, जैसा दिन जाएगा वैसे ही दिखाऊँगा। और हाँ, मेरे वो जो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट वाले जो 2 ब्लॉग थे, दोनों में 100 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। पहली वाले में तो ऑलमोस्ट 200 हो चुके हैं, और दूसरा जो पार्ट था उसमें 100 भी क्रॉस हो गया, तो ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। यही सब देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मतलब कि है ना। लेकिन दोनों ही ब्लॉग पे कॉपीराइट है, कोई ना, उसे वैसे भी अभी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसी के साथ को मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, और एंड तक देखो, लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। It's love.